दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए फिल्मों में अभिनय करने वाले उन कलाकारों की जीवनी लेकर आते हैं जिन्होंने फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वो दर्शकों के बीच से लगभग गायब हो गए हैं। और कुछ ऐसे भी कलाकार हुए हैं जो खुद फिल्मों से कट गए और फिल्मों से इतर अपनी एक अलग पहचान बनाने में लग गए। आज हम फिर कपूर खानदान के एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने फिल्मों में अभिनय तो किया, लेकिन अपने पिता की तरह फिल्मों में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद फिल्मों का दामन छोड़कर अपने खानदानी थिएटर ग्रुप को चलाने लगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता शशि कपूर की बेटी अभिनेत्री संजना कपूर की, जिन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन बाद में फिल्मों से संन्यास लेकर पृथ्वीराज थिएटर ग्रुप को चलाने लगी। दिखने में बेहद खूबसूरत संजना ने अपने दादाजी के डूबते हुए कारवा को आगे बढ़ाया। आज के इस वीडियो में हम उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 27 नवंबर साल 1967 को मायानगरी कही जाने वाली शहर मुंबई में कपूर परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई मुंबई इंटरनेशनल स्कूल से किया। हालांकि उन्होंने कभी अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। कलाकारों के परिवार से आने की वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की तरफ गया और जल्द ही उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्हें फिल्मों में आने के लिए दूसरे कलाकारों की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन आपको बता दें कि उनके दादाजी ने कपूर परिवार में एक परंपरा बनाई थी कि कपूर खानदान से कोई भी लड़की फिल्मों में काम नहीं करेगी, और उस धारणा को संजना ने तोड़ा। साल 1981 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अपने पिता की निर्मित फिल्म 36 चौरंगी लेन में वो नजर आई, जो एक बंगाली फिल्म थी। उस फिल्म में उनकी मां ने मुख्य किरदार के तौर पर अभिनय किया था। उन्होंने अपनी मां के द्वारा निभाए गए चरित्र के एक छोटे से संस्करण को निभाया था, क्योंकि उस समय में उनकी उम्र काफी कम थी, वो महज 14 साल की थी। वो फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म थी। उसके बाद साल 1984 में वो अपनी दूसरी फिल्म उत्सव में अभिनय करते नजर आई। उसमें उन्होंने एक तवायफ के घर में एक दासी की भूमिका निभाई थी। उस समय उनकी उम्र लगभग 17 साल थी। उस फिल्म के प्रोड्यूसर उनके पिता ही थे। हालांकि उस फिल्म से दर्शक उनको थोड़ा बहुत जानने लगे थे। उसके बाद वो दोबारा 4 साल का गैप लेकर साल 1988 में फिर एक फिल्म में नजर आई। मीरा नायर की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सलाम बॉम्बे में वो एक विदेशी पत्रकार की भूमिका में दिखाई दी। उस फिल्म को ऑस्कर में इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भेजा गया था। हालांकि बतौर सहायक अभिनेत्री वो उनकी तीसरी फिल्म थी, लेकिन एक मुख्य भूमिका के रूप में अभिनय करने का मौका उन्हें साल 1989 में आई बॉलीवुड फिल्म हीरो हीरालाल में मिला। उसमें वो रूपा के किरदार में नजर आईं और बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी चौथी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दर्शकों को उनके द्वारा निभाया गया किरदार काफी पसंद आया। साल 1991 में उन्होंने फे और माइकल कानिन द्वारा ब्रॉडवे प्ले पर आधारित अकीरा कुरोसावा की अमर फिल्म राशोमोन के थिएटर प्रोडक्शन में एक जापानी पत्नी की भूमिका निभाई। उसके बाद साल 1994 में उन्होंने एके बीर की अरण्यक फिल्म में अभिनय किया, जिसमें वो एलिना के किरदार में नजर आई। आपको बताते चले कि वो उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वो दिखाई थी। 90 के दशक में थिएटर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया। उन्होंने 3.5 साल तक टीवी पर अमूल इंडिया शो में मेजबानी भी की। उन्होंने मुंबई के जुहू में पृथ्वी थिएटर का प्रबंधन किया और साल 2011 तक बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप भी चलाया। उसके बाद साल 2011 में ही उन्होंने पृथ्वी थिएटर को छोड़ने का फैसला किया। उस फैसले पर कायम रहते हुए उन्होंने साल 2012 में जुनून थिएटर लॉन्च किया। आपको बता दें कि जुनून थिएटर एक कला आधारित संगठन है जो यात्रा समूहों के साथ काम करता है और पूरे भारत में छोटे छोटे स्थानों पर नाटकों का मंचन करता है। हालांकि उन्होंने अपने अभिनय का जौहर सिर्फ कुछ फिल्मों में ही दिखाया, लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें एक्टिंग छोड़ देना चाहिए, शायद एक्टिंग में रहकर वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगी, तो जैसे ही हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, उन्होंने एक्टिंग करना छोड़ दिया।
इससे एक कहावत भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि हमेशा राजा का बेटा राजा नहीं बनता। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो वो फिलहाल शादीशुदा हैं और उन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां की हैं और उनके पहले पति का नाम आदित्य भट्टाचार्य था, जो पेशे से एक अभिनेता और निर्देशक है। वो मंडी और राग के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बासु भट्टाचार्य और रिंकी भट्टाचार्य के बेटे हैं और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बिमल रॉय उनके नाना थे। बाद में किसी कारणवश दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि संजना को आदित्य से कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद संजना ने पत्रकार रमेश थापर के बेटे वाल्मीकि थापर से शादी की। वाल्मीकि JNU इतिहासकार रोमिला थापर रमेश थापर की बहन के भतीजे हैं। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम हमीर थापर है। उनके पिता का नाम शशि कपूर है, जिनका जिक्र हमने वीडियो में पहले भी किया है। वो अपने समय के मशहूर अभिनेता और निर्माता रहे हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था और कई फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। उनकी माता का नाम जेनिफर कैंडल है, जो कि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश थिएटर अभिनेत्री थी। उन्होंने भी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन उनकी मृत्यु साल 1984 में कैंसर की वजह से हो गई थी। दरअसल जेनिफर कैंडल को साल 1982 में पता चला कि उन्हें टर्मिनल कोलन कैंसर हुआ है और वो इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। जेफरी और लॉरा कैंडल संजना के नाना नानी थे, जो पेशे से अभिनेता थे। उन्होंने शेक्सपियर और शॉ को प्रस्तुत करने वाले अपने शेक्सपियराना थिएटर समूह के साथ भारत और एशिया की यात्रा की। थिएटर एक्टर पृथ्वीराज कपूर उनके दादाजी थे। उन्होंने ही पृथ्वीराज थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी। अगर हम उनके भाई बहन की बात करें तो बहन में वो अकेली हैं। उनके 2 भाई हैं, कुणाल और करण कपूर हैं। कुणाल पेशे से एक एडवर्टाइजमेंट निर्माता हैं। हालांकि उन्होंने भी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। उनकी पत्नी का नाम शीना सिप्पी है। शीना सिप्पी एक फोटोग्राफर है और दोनों का किसी कारणवश तलाक भी हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम जहान कपूर है। वो फिल्मों में एक सहायक निर्माता के तौर पर काम करते हैं। उनकी बेटी का नाम शायरा कपूर है। वो एक प्रोडक्शन डिजाइनर है। करण कपूर भी एक पूर्व अभिनेता और फोटोग्राफर है। दरअसल उनके भी फिल्मी करियर का बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्हें बचपन से ही फोटोग्राफी करने का बड़ा शौक था, लेकिन पिता के कहने पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, क्योंकि वो दिखने में अंग्रेज नजर आते थे। इसलिए उन्हें फिल्मों में लीड रोल करने का बहुत ही कम मौका मिला। फिर उन्होंने अपने पिता शशि कपूर के खिलाफ जाकर फिल्मों में अभिनय करना छोड़ फोटोग्राफी करने का फैसला किया। उनकी पत्नी का नाम लॉर्ना कपूर है। लॉर्ना कपूर एक प्रसिद्ध मॉडल है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। उनके बेटे का नाम जैक कपूर है और उनकी बेटी का नाम आलिया कपूर है। उनके चाचा राज कपूर और शमी कपूर हैं, जो पेशे से एक्टर हैं और वो 70 के दशक के एक जाने माने एक्टर थे। कई फिल्मों में दोनों ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है और दर्शकों को रोमांचित किया है। संजना को 2020 में थिएटर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के फ्रांसीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उन्होंने भले ही कुछ ही फिल्मों में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया, लेकिन दर्शकों ने उन्हें कम प्यार नहीं दिया। अपने दादाजी के सपने को आगे बढ़ाना उन्होंने अपना पहला कर्तव्य माना और उसे बखूबी आगे भी बढ़ाया। लोग हमेशा फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें याद करते रहेंगे। आज वो लगभग 55 वर्ष की हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में किसी फिल्म या टीवी सीरियल में अभिनय करके दर्शकों को दोबारा एंटरटेन करेंगी। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।